सामान्य बच्चों को मेरा प्यार भरा राधे राधे। बेटा आपका पहला चैप्टर पद्यांश का चल रहा था कबीरदास जी का, जिसका मैंने दो लेक्चर आपको दिया, साथ साथ दोहों का मैंने व्याख्या करके आपको बताया। आशा करती हूँ आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा, और आप लोग अगर अच्छा लग रहा है तो आप लोगों को बता दें कि मेरा टेलीग्राम चैनल भी चल रहा है, उस टेलीग्राम चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए। उस पर मेरे सारे लेक्चर पढ़े रहेंगे, आप जब भी चाहेंगे उसे देख सकते हैं। तो आप लोग जो है सभी बच्चे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, और अगर आपको मेरा लेक्चर पसंद आ रहा हो, समझ में आ रहा हो, तो आप सभी लोग जो है वो शेयर और लाइक करना ना भूलें। तो आज जो है उसी 14 के आगे हम 15वें दोहे से आपको पढ़ाना शुरू करते हैं। तो चलिए उसी के आगे, सॉरी, पंखी उड़ाड़ी गगन को पेंड रहा परदेश, पाड़ी पिया चंच बिन भूल गया यह देश। पंख का मतलब पक्षी, अर्थात जीवात्मा रूपी पक्षी, यहाँ पर उन्होंने जीवात्मा को पक्षी माना हुआ है। और गगन माने आकाश, पेंड माने शरीर, चंच माने चोंच भी, और चंच का मतलब इंद्रियां, और पानी का मतलब जल या आध्यात्मिक आनंद। अब देखिए इन्होंने क्या कहना चाहा है यहाँ पर, पंख उड़ाड़ी गगन को। कबीरदास जी यहाँ पर साधना की स्थिति एवं मोक्ष प्राप्ति का वर्णन किया है इसमें उन्होंने, कि मोक्ष प्राप्त करने के लिए साधना की किस स्थिति तक मनुष्य को पहुँचना चाहिए जब उसे मोक्ष की प्राप्ति हो जाए, इसीलिए वो कहते हैं पंख उड़ाड़ी गगन को। पर कबीरदास जी कहते हैं कि जीवात्मा रूपी पक्षी योग साधना करके कुंडलियों के सहारे सहस्त्रार रूपी आकाश में पहुंच गए। कबीरदास जी कहते हैं कि जीवात्मा रूपी पक्षी योग साधना करके कुंडलियों के सहारे आकाश में पहुंच गई, पेंड रहा परदेश, और पेंड माने शरीर, स्थूल शरीर जो नश्वर शरीर है, परदेश का मतलब इसी संसार में, नश्वर संसार में, और उसका जो स्थूल शरीर है वो इसी संसार में रह गया। मरने के बाद क्या होता है, हमारी आत्मा शरीर से निकल जाती है लेकिन ये नश्वर शरीर इसी संसार में पड़ा रह जाता है। तो वही कबीरदास जी कहते हैं कि पंखी उड़ाड़ी गगन को, जीवात्मा रूपी पक्षी योग साधना करके कुंडलियों के सहारे आकाश में पहुंच गई, उसके पीछे उसका जो स्थूल शरीर था वो इसी संसार में पड़ा रह गया, और पानी पिया चंच बिन, उस सहस्त्रार आकाश में पहुंच करके उस जीवात्मा रूपी पक्षी ने चोंच के बिना ही, चंच बिन, चोंच के बिना अर्थात इंद्रियों के बिना ही अमृत सरोवर का जल पी लिया, पानी पिया चंच बिन। उस आत्मा जो है आकाश में पहुंच करके चोंच के बिना ही अर्थात इंद्रियों से रहित होकर के उसने अमृत सरोवर का जल पी लिया, और जल पीने के बाद जो उसे अलौकिक आनंद की प्राप्ति हुई तो फिर भूल गया यह देश, इसके कारण वो इस नश्वर संसार को पूर्णता या पूर्ण रूप से भूल जाता है। कहने का तात्पर्य यह है कि जब अलौकिक आनंद की प्राप्ति हो जाने पर जीवात्मा जो है वो सांसारिक मोह माया को भूल करके क्या करती है, सांसारिक बंधनों में फिर से नहीं बनती है, और उसका परमात्मा के साथ एकाकार हो जाता है। जब जीवात्मा परमात्मा से मिल जाती है तो फिर वो इस सांसारिक मोह माया रूपी बंधन में पड़ना नहीं चाहती है। तो यहाँ पर कबीरदास जी कहते पंखी उड़ाड़ी गगन को, जीवात्मा रूपी पक्षी जो है
वो योग साधना करके कुंडलियों के सहारे आकाश में पहुंच गई और पिंड रहा परदेश, और उसके पीछे जो उसका स्थूल शरीर है वो इस संसार में ही पड़ा रह गया। पानी पिया चंच बिन, और उस सहस्त्रार आकाश में पहुंच करके उस जीवात्मा रूपी पक्षी ने चोंच के बिना ही अर्थात इंद्रियों के बिना ही अमृत सरोवर के रस का पान कर लिया, और उसे पी करके उसे जो अलौकिक आनंद की प्राप्ति हुई उससे इस देश अर्थात इस नश्वर संसार को वो पूरी तरह से भूल गया। कहने का भाव ये है कि जब मनुष्य को अलौकिक आनंद की प्राप्ति हो जाती है तो जीवात्मा सांसारिक मोह माया के बंधनों में नहीं बंधती है, वह तो पूर्ण रूप से या पूर्णता जो है परमात्मा में जा कर के मिल जाती है। अलंकार यहाँ पर रूप का अतिशयोक्ति है और विरोधाभास। तो चोंच के बिना, बिना चोंच के, लेकिन यहाँ पर चोंच के बिना ही वो कह रहे हैं अर्थात इंद्रियों से रहित जब मनुष्य की इच्छाएं खत्म हो जाती हैं तो उसे अपने आप ही मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। तो वही रूप का अतिशयोक्ति, विरोधाभास, अलंकार और सारी चीज़ें वही है। चलिए उसके आगे, पिंजर प्रेम प्रकाशिया अंतरी भया उजास, मुख कस्तूरी महामयी बाड़ी फूटी बास। अब यहाँ पर कबीरदास जी ये बताना चाहते हैं कि जब ईश्वर से साक्षात्कार हो जाता है तो उसके मुख से निकलने वाला जो प्रत्येक शब्द है वो प्रेम के रस में भीगा हुआ होता है। जब मनुष्य को ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है तो उसके मुख से जो भी शब्द निकलता है वो प्रेम में डूबा हुआ होता है। इसीलिए कबीरदास जी कहते हैं पिंजर प्रेम प्रकाश या अंतरी भया उजास। उजास माने उजियाला, अंतरी माने हृदय, पिंजर माने शरीर रूपी पिंजरा या शरीर, अंतरी माने हृदय, महमही माने महक या सुगंध, पिंजर प्रेम प्रकाश या। कबीरदास जी कहते हैं कि ईश्वर का साक्षात्कार होने पर हृदय में प्रेम का प्रकाश फैल जाता है। पिंजर प्रेम प्रकाश या अंतरी भया उजास। कबीरदास जी कहते हैं कि ईश्वर से साक्षात्कार होने पर हृदय में प्रेम का प्रकाश फैल जाता है और भीतर ही भीतर वह सारा प्रकाश छा जाता है। प्रेम का प्रकाश हो गया और वो अंदर ही अंदर पूरे जगह पर फैल जाता है। जब ईश्वर से साक्षात्कार होता है तो हृदय में प्रेम का प्रकाश आ जाता है और वो भीतर ही भीतर सारे पूरे शरीर में फैल जाता है। और मुख कस्तूरी मामयी बाड़ी फूटी बास, और इस समय मुख से जो राम नाम की कस्तूरी जैसी महक आने लगती है और बाड़ी से प्रभु प्रेम की सुगंध फूट निकलती है। कबीरदास जी कहते हैं मुख कस्तूरी महामयी। कबीरदास जी कहते हैं कि उस समय मुख से राम नाम की कस्तूरी जैसी महक आने लगती है, बाड़ी फूटी बास, और वाणी से प्रभु प्रेम की सुगंध वो निकलने लगती है या फूट पड़ती है। यहाँ पर रूप का अतिशयोक्ति और अनुप्रास अलंकार है। चलो उसके आगे चलते हैं, नैना अंतर आवतु ज्योहौ नैन झपे हूँ, नाहौ देखौ और कु ना तुझ देखन देऊँ। यहाँ पर आत्मा और परमात्मा के अनन्य प्रेम को प्रदर्शित किया गया है। कबीरदास जी ने यहाँ पर आत्मा और परमात्मा के प्रति अपने अनन्य प्रेम को प्रदर्शित करते हुए कहते हैं नैना अंतर आव तू। नैना माने नेत्र, अंतर माने अंदर, आव माने आ जाइए, नैन माने नेत्र, झपे हूँ माने बंद कर लेना। तो नैना अंतर आव तू ज्योहौ नैन झपे हूँ। कबीरदास जी कहते हैं हे परमात्मा, ज्योहू मैं अपने नेत्रों को बंद करूँ
आप मेरे नेत्रों के अंदर शीघ्रता से आकर के बैठ जाइए। नैना अंतर आव तू ज्यों हो नैने झपे हूँ। कबीर दास जी कहते हैं, हे परमात्मा, जैसे ही मैं अपने नेत्रों को बंद करूं, आप मेरे नेत्रों के अंदर आ करके बैठ जाइए। नाहो देखो और फिर मैं आपको अपने नेत्रों में बंद कर लूं तो ना मैं किसी और को देखूं, ना तुझे देखन दूं और ना ही आपको भी किसी और को देखने दूं। कबीरदास जी कहते हैं, हे परमात्मा, जैसे ही मैं अपने नेत्रों को बंद करूं, आप मेरे नेत्रों के अंदर आकर के शीघ्रता से बैठ जाइए और तुझे अपने नेत्रों में जब मैं बंद कर लूं तो मैं ही किसी और को देखूं, ना तुझे देखन दूं और ना ही आपको किसी और को देखने दूं। कहने का ये तात्पर्य है कि आत्मा और परमात्मा एक दूसरे के प्रति अनन्य भाव रखें, यही प्रेम का चरमोत्कर्ष है। अर्थात मैं हम जिससे जितना प्रेम करें वो भी मुझसे उतना ही प्रेम करे, तो इसका मतलब है कि दोनों तरफ का प्रेम जो है बराबर है और यही प्रेम अपने चरम पर होता है। तो वही कबीरदास जी कहना चाह रहे हैं, अनुप्रास अलंकार है यहाँ पर। चलिए उसी के आगे, कबीर हरि रस यो पिया बाकी रही न था की, पाका कलश कुम्हार का बहुरी न चढ़ई चाकी। हरि रस माने ईश्वर का रस या भक्ति का रस, था की माने प्यास या तृष्णा या इच्छा, बहुरी माने फिर से, और चाकी माने चाक, जिस पर कुम्हार का जो चाक होता है जिस पर वो बर्तन बनाता है। तो कबीर दास जी कहते हैं, कबीर हरि रस यो पिया, यहाँ पर कबीरदास जी ये बताना चाहते हैं कि जब तक मनुष्य के अंदर इच्छा रहती है, तृष्णा रहती है, प्यास रहती है, तब तक वो इस जीवन मृत्यु के चक्र में फंसा रहता है, और जब तक उसके मन की तृष्णा नहीं जाएगी तब तक उसे आवागमन के चक्र से मुक्ति नहीं मिली है। तो इसी दार्शनिक सत्य को उन्होंने यहाँ पर प्रकट किया है और वो कहते हैं, कबीर हरि रस यो पिया। कबीर दास जी कहते हैं, मैंने ईश्वर की भक्ति के रस का इतना छक कर पान कर लिया है कि मेरे मन की सारी इच्छाएं समाप्त हो गई, बाकी रही न था, अब कोई भी इच्छा शेष बची नहीं हुई है। तो कबीर हरि रस यो पिया बाकी रही न था। कबीर दास जी कहते हैं कि मैंने ईश्वर के भक्ति रस का इतना छक्कर पान कर लिया है कि अब मेरी सारी तृष्णा समाप्त हो गई है। ठीक उसी प्रकार से पाका कलश कुमार का बहुरी न चढ़ई चाकी, कि जिस प्रकार से कुम्हार का घड़ा जब पक जाता है तो वो उसे दोबारा चाक पर चढ़ाता नहीं है, ठीक उसी प्रकार से मेरे मन में अब कोई सांसारिक लालसा शेष नहीं है और इस स्थिति में आकर के मुझे मोक्ष की प्राप्ति हो गई है, अर्थात मैं संसार के आवागमन के चक्र से मुक्त हो गया हूँ। अलंकार रूप का अतिशयोक्ति, दृष्टांत और श्लेष अलंकार। चल उसे क्या, हेरत हेरत हे सखी रहिया कबीर हिराय, बूंद समानी समद मैं सोकत हेरी जाय। हेरी माने खोजना, समद माने समुद्र, समानी माने समा जाना, डूब जाना, हेरत हेरत माने खोजते खोजते, सखी का मतलब यहाँ परमात्मा से है, हिराय माने खोजाना। यहाँ पर कबीर दास जी ने आत्मा और परमात्मा के मिलन और उसकी एक रूपता का वर्णन किया है। जब आत्मा और परमात्मा मिल जाते हैं तो दोनों किस प्रकार एक हो जाते हैं, उसी का वर्णन करते हुए कहते हैं, हेरत हेरत हे सखी, हे जीवात्मा रूपी सखियों, परमात्मा को खोजते खोजते मैं स्वयं ही खो गया हूँ।
हे रत हे सखी रहया कबीर हेराय। हे जीवात्मा रूपी सखियो, परमात्मा को खोजते खोजते मैं स्वयं ही खो गया हूँ, अर्थात परमात्मा का ध्यान करते करते मेरी पृथक सत्ता या मेरा पृथक अस्तित्व समाप्त हो गया है और वह परमात्मा में लीन हो गया है। ठीक किस प्रकार बूंद समानी समद में सोकत हेरी जाए, ठीक उसी प्रकार से जिस प्रकार पानी की एक बूंद अगर समुद्र में मिल जाए तो उसे खोजा नहीं जा सकता है, क्योंकि समुद्र में मिलने पर उस बूंद का स्वयं का अस्तित्व समाप्त हो जाता है। ठीक उसी प्रकार से जब आत्मा परमात्मा में मिल जाती है तो आत्मा का स्वयं का जो अस्तित्व है वो समाप्त हो जाता है, फिर आत्मा को ढूंढा नहीं जा सकता है। यहाँ पर दृष्टांत अलंकार है। चलिए 20वां, कबीर यह घर प्रेम का खाला का घर नाही, शीश उतारे हाथ करी सो पैठे घर माही। खाला माने मौसी, खाला और खाला का घर का मतलब जहाँ पर अधिकार के साथ प्रवेश किया जाता है। मौसी घर में आदमी बिना पूछे ताँचे पहुँच जाता है, जो कि मौसी है, बाकी बहन मौसी, तो वहाँ पर पूछने की क्या ज़रूरत है। और पैठे माने घुसना। तो यहाँ पर कबीरदास जी ने बताया कि प्रेम का जो मार्ग का है वो बहुत कठिन है। किस प्रकार कबीर यह घर प्रेम का, कबीरदास जी कहते हैं कि यह घर तो प्रेम का घर है, ये मौसी का नहीं है जहाँ हर कोई सरलता से प्रवेश कर जाए। कौन सा घर? ईश्वर का घर। कबीर यह घर प्रेम का, कबीरदास जी कहते हैं जो ईश्वर का घर है ये मौसी का नहीं घर नहीं है, ये प्रेम का घर अवश्य है लेकिन ये मौसी का घर नहीं है जहाँ कोई सरलता से प्रवेश पा सके। शीस उतारे हाथ कर सो पैठे घर माही, इसके लिए तो व्यक्ति को अपना सिर काट कर हथेली पर शीस उतारे, सिर को काट करके हथेली पर रखना पड़ता है तब कहीं जा करके उस घर में प्रवेश मिलता है। शीश काटने का मतलब गर्दन को काटना नहीं, शीश काटने का मतलब अहंकार को नष्ट करना। जब अहंकार नष्ट होगा तभी तो प्रेम उत्पन्न होगा, अहंकार और प्रेम दोनों एक साथ नहीं हो सकते हैं। तो भाव यही है कि जब तक साधक अपने अहम भाव को पूरी तरह से नष्ट नहीं कर देता है तब तक उसे ईश्वर की प्राप्ति नहीं होती है। चलिए अब आखिरी एक है, जब मैं था तब हरि नहीं अब हरि है मैं नाहीं, सब अंधियारा मिट गया जब दीपक देख्या माही। मैं माने अहंकार, हरि माने ईश्वर। कबीरदास जी कहते हैं जब मैं था, जब तक मेरे अंदर अहंकार भरा हुआ था तब हरि नाहीं, तब तक मुझे परमात्मा की प्राप्ति नहीं हुई थी। अब हरि है और अब जब मेरा अहंकार समाप्त हो गया है तब मुझे परमात्मा की प्राप्ति हो गई है। अब हरि है मैं नाहीं, अब जब मुझे ईश्वर की प्राप्ति हो गई है तो मेरा सारा अहंकार नष्ट हो गया है। जब मैं था तब हरि नहीं, जब तक मेरे अंदर अहंकार भरा हुआ था तब तक मुझे ईश्वर की प्राप्ति नहीं हुई थी। अब हरि है, अब जब मुझे परमात्मा की प्राप्ति हो गई है तो मेरा सारा अहंकार नष्ट हो गया है, सब अंधियारा मिट गया जब दीपक देख्या माही। जब मैंने ज्ञान रूपी दीपक को प्रज्वलित किया तो मेरा सारा अज्ञान रूपी अंधकार नष्ट हो गया, सब अंधियारा मिट गया जब दीपक, कौन सा दीपक? ज्ञान रूपी दीपक। जब मैंने ज्ञान रूपी दीपक को प्रज्वलित किया तो उसमें जो अज्ञान रूपी सारा अंधकार था वो दूर हो गया, अर्थात ज्ञान को प्राप्त करने के बाद मनुष्य की सारी अज्ञानता दूर हो जाती है। यहाँ पर रूप का अतिशयोक्ति अलंकार है। तो ये आपकी साखियों का अर्थ था जो मैंने आपको सब बता दिया है। अब इसके बाद उनका पदावली है जो रहस्य से परिपूर्ण, जहाँ पर उन्होंने स्वयं को जीवात्मा को पत्नी माना है और परमात्मा को पति माना है।
तो किस प्रकार जीवात्मा परमात्मा से मिल जाता है, अर्थात किस प्रकार पति पत्नी का मिलन होता है, अब इसका जो अर्थ है इस चीज़ को उन्होंने इस पदावली में स्पष्ट किया है। तो आज के लिए सभी बच्चे इतना ही पढ़िए, सारी साखी का अर्थ पढ़ लीजिए। आप लोग टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, अगर जो समझ में ना आए आप लोग उसे पूछ सकते हैं, जब भी चाहे मुझसे कुछ भी पूछ सकते हैं। तो अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लोग ढेर सारा लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। आज के लिए सभी को मेरा प्यार भरा राधे राधे, धन्यवाद।